पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली महोदय डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभारी अंकुश लगाने हेतु पंजीकृत अभियोगों के वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चंदौली विनय कुमार सिंह के निर्देश एवं क्षेत्राधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर अनिरुद्ध सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अली नगर शेषधर पांडे के नेतृत्व में अली नगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मुगलसराय पर पंजीकृत समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना अली नगर जनपद चंदौली से संबंधित वांछित अभियुक्त मोहम्मद इरफान उर्फ मोनू पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी गौरैया थाना अली नगर जनपद चंदौली उम्र करीब 25 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मोहम्मद इरफान उर्फ मोनू कटरिया तिराहे पर खड़ा होकर अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा था और कहीं बाहर जाने की फिराक में था, जो कि कटरिया तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मोहम्मद इरफान उर्फ मोनू उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चंदौली द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा पूर्व में की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय द्वारा वांछित और इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में धीना पुलिस को इनामिया और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। ये अपराधी पशु तस्करी करते थे। इनके विरुद्ध विभिन्न अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था और ये वांछित चल रहे थे। इस क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रमेश बिंद नामक व्यक्ति पर 25,000 रुपये का इनाम था। इसके अतिरिक्त 2 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके विरुद्ध धीना पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। वांछित गैंगस्टर अपराधी अली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पूर्व में इनाम घोषित किया गया था। इस तरीके से एक इनामिया अपराधी गैंगस्टर एक्ट में वांछित गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार कर समुचित अन्य वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए चंदौली से सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।